हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यूपी बिहार का फेमस लिट्टी चोखा रेसिपी, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो वीडियो को जरूर देखें। तो आ जाइए, लिट्टी चोखा की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे चोखा। तो चोखा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 3 बैंगन मीडियम साइज के हैं, और 3 टमाटर और 2 आलू, और साथ ही में हम ले लेंगे 1 लहसुन, थोड़ा सा धनिया और 5-6-7 जैसे भी आपको हरी मिर्च चाहिए उस तरह से आप ले सकते हैं। इस तरह से हम तवे पे टमाटर को एकदम धीमी आंच पे भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ढक दिया है इसे, तो हमारा टमाटर भून चुका है। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से भून गया है। चारों तरफ से थोड़ा सा चलाते हुए आप इसे फिर से एक बार ढक दें। तरीके से हम आलू को भी ढक के भून लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ढक दिया है। चाहिए तो आप आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए। और दूसरी तरफ मैं बैंगन को भी गैस पे धीमी आंच करके इस तरह से भून लूँगी। तो इससे जो बैंगन का स्वाद है, आलू का स्वाद है, टमाटर का स्वाद है, ये बहुत ही अच्छा आता है। चाहिए तो हम इसे उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन भुना वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गया है। तो ये देखिए, हमारा चोखा बनाने के सारे इंग्रेडिएंट तैयार हो गए हैं, और इन सभी चीज़ों का छिलका हमने निकाल के साफ़ कर लिया है। अब इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे, और पीसने के बाद ये देखिए हमारा चोखा बन के तैयार हो गया है। अब हम तैयारी करेंगे हमारे बाटी चोखा के फिलिंग की। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 5-6 हरी मिर्च को काट लिया है, प्याज को काट लिया है, और लहसुन को कद्दूकस कर लिया, और भुना हुआ चना 2 कटोरी लिया है। तो साथ ही में मैंने ले लिया है 1 कटोरी भरवा मिर्चा का तेल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अचार का तेल यूज़ कर सकते हैं, और 2 भरवा मिर्चा, ये नहीं है तो आप खटाई यूज़ कर दीजिए। और सत्तू को मैंने पीस लिया है। अब इसमें हम भरवा मिर्चा मिला देंगे, थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, एक साथ सारे तेल ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा डालें। तो ये देखिए, प्याज भी मैंने डाल दिया है, इसी के साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर दे रही हूँ, और साथ ही में नमक स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से। तो इसे ही सत्तू कहा जाता है। तो ये बहुत आसानी से आपको बाहर किसी भी दुकान में मिल जाएगा, रेडीमेड भी, या फिर आप जिस तरह से मैंने चने को पीस के बनाया है, आप भी चना पीस के बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा तेल और ऐड की हूँ। तो ये देखिए, हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। इस तरह से लड्डू बनना चाहिए। तो ये तैयार है। तो आ जाइए, अब हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, और इसमें मैं कोई तेल भी नहीं ऐड कर रही हूँ, और ना ही मैं कोई सोडा या कुछ ऐड कर रही हूँ। बस पानी ऐड करके मैं इसे सान दे रही हूँ। तो इसे हमें अच्छा सा डो बना लेना है। डो गीला ना हो, मीडियम हो, ना बहुत कड़क और ना ही बहुत नरम। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसका डो बना लेना है। तो ये देखिए, हमारा डो अच्छा सा तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा मैं और मल दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा डो हमारा तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं इसे और भी अच्छी तरह से गूँथ ले रही हूँ, जिससे ये अच्छा सा तैयार हो जाए। जितना हम डो को मलते हैं, उतना डो हमारा अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। तो ये देखिए, मैं छोटे छोटे से इसके पेड़े बना ले रही हूँ। इस तरह से हमें बना लेना है, और फिर अच्छी तरह से इसे दबा दीजिए, और थोड़ा सा आटे में डिप करके इसे देखिए दोनों हाथों से इस तरह घुमाते हुए इसका हमें गोल सा बना लेना है, जिसमें हम स्टफिंग को भर सकें। तो थोड़ा सा बड़ा ही बनाइए। तो ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा स्टफिंग भरने के लिए तैयार हो गया है। तो इसमें हम इस तरह से स्टफिंग को भर देंगे, और धीरे धीरे उंगलियों से आप इसे प्रेस करते हुए दबा दें, और इस तरह से आप इसको बंद कर दें। तो ये देखिए, ये बंद हो गया है। और अब हम इसे हम हथेली पे चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए
सेट कर देंगे ताकि कहीं से जगह ना खुली हो, वरना हमारा जो लिट्टी है वो फट जाएगी। तो ये देखिए ये बनके तैयार हो गया। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें सारी लिट्टी बना लेनी है। तो आ जाइए आगे का हम तैयारी करते हैं। तो ये देखिए हमारी सारी लिट्टी तैयार हो चुकी है और मैंने गैस पे बर्तन भी गर्म कर दिया है लिट्टी वाला। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा घी सभी खानों में भर देंगे। बहुत ज़्यादा मत भरिए वरना जब आप इसमें डालेंगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही हमें घी डालना है जिससे हमारा जो लिट्टी है वो बर्तन में चिपके नहीं। तो ये मैंने डाल दिया है। अब इस पर मैं धीरे धीरे लिट्टी डाल दूंगी। तो ये देखिए सारे लिट्टी मैंने रख दिए। अब इसे हम ढक देंगे। अब थोड़े देर बाद हम ऊपर से भी इस तरह से घी लगाते हुए लिट्टी को सेक लेना है। ढक ढक के हमें सेकना है इसे। तो इसे ध्यान से आप पलटे क्योंकि जो हम घी इसमें डाल रहे हैं वो नीचे जाके बैठा रहता है और जब आप इसे पलटेंगे तो ये हाथ में लग जाएगा, तो हाथ जलने की संभावना होती है, इसलिए आप इसे संभाल के ही पलटें। तो ये देखिए मैं इस पर थोड़ा थोड़ा सा फिर से घी लगा रही हूँ। तो जितने बार आप इसे चेक करने के लिए खोलें तो थोड़ा थोड़ा सा घी ज़रूर लगा दें। घी से ये बहुत ही अच्छा कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने घी लगा दिया। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी शेयर की है। इसमें कोई मेहनत नहीं ज़्यादा लगा है और बिल्कुल गांव वाले तरीके से ये बनके तैयार हो गया है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर इसे बनाएं और कैसा बना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।